पलामू जिले के मेदिनीनगर के टाउन हॉल में आजसू पार्टी का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो पलामू पहुंचे और उनकी अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के सभी आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं सम्मेलन में तीनों जिले के कई लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने केंद्र हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए उन वादों को पूरा नहीं किया है। हेमंत की सरकार में सिर्फ बेरोजगारी और घुसखोरी बढ़ी है। सिर्फ हेमंत की सरकार भोली भाली जनता के साथ छलावा करती नजर आई है। प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां सभी मंडल के, इस प्रमंडल के सभी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनका एक समावेश, एक जुटान था। और आज जो है इतने जोश से आज पलामू में फिर से नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़े। मैंने इनको पलामू के राजनीतिक दायित्व का बोध कराया और राजनीतिक दायित्व के आधार पर यहाँ के उदासीन जनता के बीच में पुनर्विश्वास स्थापित करने की पहल करने का आग्रह किया है। हमने राज्य सरकार के पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो नजदीक से पलामू को देखा है मैंने, गांव गुरुवा और वहाँ के हालात को देखा है। मैंने आज भी स्वीकार किया कि काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। दायित्व वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सरकारी पदाधिकारियों को गांव चौखट तक पहुंचाने का सरकार को जोर देना पड़ेगा। अभी हम लोग का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसमें इनका आज आगमन हुआ है और आज का आगमन जो है पूरे पलामू प्रमंडल में चुनावी आगाज का जो है आज उन्होंने आगाज किया है। और पलामू प्रमंडल के 21 विधानसभा में उन लोगों का संगठन मजबूत है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देवघर सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित एक दिवसीय मेगा वुमेन हेल्थ कैंप का मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देवघर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन युगल किशोर चौधरी के साथ ही आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद सिंह के साथ ही महिला विंग के तमाम अधिकारी और बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में पाए जाने वाले ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान को लेकर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम संथाल में भी 24/7 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जगह हम लोग 24/7 स्वास्थ्य सेवा चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत दुमका मेडिकल कॉलेज से भी करने जा रहे हैं। और ऐसे शिविरों से लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे आउटपुट निकलेंगे, क्योंकि देखिए प्रयास तो करना होगा हमको, आपको सारे लोग। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के क्रम में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी और वार्ड के अलावा नवनिर्मित बन रहे भवन का भी निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि रविवार है तो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि आयुष्मान में काम नहीं हो रहा है, लेकिन रविवार को भी आयुष्मान का काम 24 घंटे होना चाहिए ताकि आयुष्मान फंड से और कुछ काम हो सके। देखिए ये रूटीन काम है, लोग आते जाएंगे, ये होता जाएगा, चेकिंग होता जाएगा, कुछ ना कुछ, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारा ये एम होना चाहिए कि हम इसको कॉन्स्टेंट मॉनिटर करें, ये नहीं कि एक बार आए देखे और चले गए। तो ज़िला से जो टीम आती है उन लोगों को हमने जो एक फॉर्मेट बना के दिया था, उस फॉर्मेट में जो मोटा मोटी चीज़ें थी अब लगभग वो चीज़ें सेट हो गई है। अब हमको लगता है और अब हम थोड़ा अगर माइक्रो लेवल पे जाए और कुछ पैरामीटर्स ऐड करें, जैसे कि आज रविवार है तो रविवार में भी फुल स्ट्रेंथ में आउटसोर्सिंग का स्टाफ होना चाहिए था, तो वो स्टाफ नहीं है, तो अब हम ये कारण परीक्षा करेंगे कि वो स्टाफ क्यों नहीं है। या फिर स्टोर इंचार्ज जो नर्स है वो शायद रविवार को किसी और को ड्यूटी नहीं दी है, तो अभी हमने अधीक्षक साहब को बोला है कि आप किसी एडिशनल ड्यूटी देके स्टोर को।
श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस पूरे कोयला जगत में मनाया जा रहा है। बेरमो सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा वासरी और कथारा कुलेरी में भी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सीसीएल सीकेएस और क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रभात फेरी निकालकर भारतीय मजदूर संघ का 69वां स्थापना दिवस मनाया। फिर सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में भारतीय मजदूर संघ का 69वां स्थापना दिवस ढोरी स्थित कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। अपने संगठन के प्रतिनिधियों को उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि वो आउटसोर्सिंग व्यवस्था का विरोध करें, क्योंकि 15 वर्षों से कोल इंडिया में छोटे पदों पर कर्मियों की बहाली नहीं हुई है। कहा कि जब श्रमिक ही नहीं रहेंगे तो कोल इंडिया भारत सरकार का उपक्रम कैसे कहलाएगा। गुमला जिला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है। बरसात में जब बारिश हो जाती है तो पहाड़ों में स्थित पेड़ और झाड़ियां हरी भरी हो जाती हैं। पहाड़ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। पहाड़ों पर हरियाली देखकर लोगों का मन खुश हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की समस्या शुरू से यही रही है कि इतनी खूबसूरती रहते हुए भी, पहाड़ के रहते हुए भी, ना सरकार के द्वारा और ना ही कभी प्रशासन के द्वारा टूरिज्म बढ़ाने के लिए कोई सार्थक प्रयास किया गया है। जहां ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार की करोड़ों की योजना का बंदरबांट हो जाता है, वहीं एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। यहां के पहाड़ों की खासियत है कि यहां भूस्खलन की समस्या नहीं है, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बेहद कम हो जाती है। अगर ऐसे में बेहतर रणनीति और प्लानिंग के साथ अगर सरकार और प्रशासन कार्य करें तो टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। यहां ना केवल पूरे झारखंड से बल्कि पूरे भारत और भारत से बाहर से भी विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन इन खूबसूरत वादियों के लिए टूरिस्ट आए भी तो कैसे, ना ही इसके लिए सड़कें तैयार हैं, ना रुकने की व्यवस्था है, ना ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और ना ही इसका सही तरीके से प्रचार प्रसार किया गया जाता है, जिसके कारण अक्सर यह पहाड़ नक्सलियों और अपराधियों का पनाहगार साबित होता है। हम अभी झारखंड के ऐसे जगह पे हैं जहाँ की खूबसूरत वादियों को आप देखिए, यहाँ आने के बाद मन को शांति मिलती है और मन हर्षित हो जाता है। सरकार को इसके प्रति कुछ योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि इस वातावरण को, एक तो यह शुद्ध हवा देती है, मन को शांति मिलता है, और कुछ योजना ला के यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे संरक्षित भी हो जाएगा और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। अब यहाँ आने के लिए कुछ कोई रास्ते भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो लोग दूर दूर से आके यहाँ पे घूमने आते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और मन को इतना क्या मैं बोलूँ, सुकून मिलता है कि मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ इस जगह की। बस सरकार को थोड़ा सा ध्यान दे के इसको, पर्यटक स्थल को थोड़ा और अच्छा बना। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले वासियों को रेल सेवाओं में आ रही असुविधाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने रेल यात्रियों को हो रही परेशानियों से रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। भौगोलिक दृष्टि से पाकुड़ झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। रोजगार की तलाश में और अन्य कारणों से लोग पश्चिम बंगाल में हर दिन आते जाते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में सड़क मार्ग ही एकमात्र यातायात का साधन है, जो कि सर्वसुलभ और सस्ता नहीं है। इसी तरह पाकुड़ क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र के मजदूर रोजगार की तलाश में सुदूर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न शहरों को जाते हैं। पाकुड़ में गाड़ी के ठहराव न होने के कारण उनकी यात्रा कठिन हो जाती है। बाबूलाल मरांडी ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि रेल की सुविधाओं को बेहतर किया जाए। पैसों की भी चोरी हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सामान को बरामद कर लिया है और चोर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। सुबह मेरे बगल वाले हैं जो वहाँ जा रखे बोले थे कि दुकान का ताला टूटा हुआ, दरवाजा खुला हुआ। कौन सी जगह है ये? सुदाम ने रिवर्स साइड मारते। क्या क्या चोरी हुआ? पता चला मोबाइल दुकान था, मोबाइल का सारा सामान, हेडफोन चार्जर वाले सब। कितना चोरी हुआ लगभग? फोन था एक दो कस्टमर का, वो चोरी।
कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर आईआईटी जेईई नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम क्लास 8 से 12 तक की तैयारी एनटीएससी ओलंपियाड्स केवीपीवाई एंड बोर्ड एग्जाम्स टेंशन नहीं लो सीएसआई आओ कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर डीपीएस स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल डिप डी बाईपास रोड रांची वेलकम टू चाचा मामा दंगल हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुल उसको ट्रॉफी से नवाजे लगता है समाधि ले ली अरे बुला रहे हैं अरे बोल रहे हैं क्यों टॉप टेक सीमेंट जो जोड़े तो छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचान